आज देखिए मैं आया हूँ शेख पेट हैदराबाद में, और आपने देखा ही होगा मैं कहाँ पर आया हूँ, कुल्लू दादाज बिरयानी। क्या बात है यार, मैं पिछली बार जब हैदराबाद में आया था तो यहाँ पे आने का मौका नहीं मिला था, और सच बताओ आपको मुंबई से लेके पूरे हैदराबाद में मुझे इतने सारे कमेंट आए थे कि आप अगर हैदराबाद में आ रहे हो तो कुल्लू दादा बिरयानी में ज़रूर आना और उनकी बिरयानी ज़रूर टेस्ट करना। तो आज मुझे फाइनली मौका मिला है कुल्लू दादा बिरयानी में आने का। हैदराबादी एक्टर है, क्या एक्टिंग करते यार, सच में मैं भी उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। कुल्लू दादा खुद आए हैं मुझे मिलने के लिए और मैं भी आया हूँ उनको मिलने के लिए। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, डायरेक्ट चलते अंदर कुल्लू दादा से मिलते और उनकी बिरयानी के बारे में सारी जानकारी लेते। आ जाइए फटाफट। क्या बात है, देखिए। थैंक यू दादा, थैंक यू कुल्लू दादा, फाइनली मुझे मिल गए और स्पेशली मैं उनको मिलने के लिए आया और वो भी मुझे मिलने के लिए आए उनके स्पेशल कुल्लू दादा बिरयानी में। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ इनके डायलॉग्स के और इनके मूवीज के। तो आज फाइनली मुझे मिल गए, तो दादा थैंक यू, आज मुझे मौका मिला आपको मिलने के लिए। तो ये आपका, सबसे पहले मुझे बताइए ये कुल्लू दादा बिरयानी आपने कब स्टार्ट किया? ये तकरीबन एक दो साल होने आ रहा है। एक्चुअली जो है हम लोग जैसे ही स्टार्ट करे उसके कुछ ही दिन बाद लॉकडाउन हो गया था, ये जो कोरोना वगैरह आ गया था। अच्छा। पैंडेमिक शुरू हो गया था, लेकिन जब तक हमारे जो है चार आउटलेट्स खुल चुके थे, तो खैर वैसे सब्जी सारी दुनिया जो है कोरोना से पैंडेमिक से परेशान थी, लेकिन हम लोग जो है किसी तरह मैनेज करते करते आए। लेकिन हमारी जो बिरयानी है वो एक डिफरेंट है, डिफरेंट इसीलिए है कि आप तो जैसे कि जानते हैं कि हैदराबाद मशहूर है बिरयानी के। यस यस यस। लेकिन बिरयानी में भी जो है ये एक ज़ाफ़रानी बिरयानी है जो प्योर घी और प्योर इंग्रेडिएंट्स में बनती है, तो इसका कुछ टेस्ट ही अलग है। तो इसी वजह से तो काफ़ी लोगों को जो है पसंद आई, उसके बाद जो है हमारा चल निकला। चल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने भी बहुत नाम सुना है, मुझे भी जानना था क्योंकि मैंने हैदराबाद में बहुत सारी बिरयानी खाई, लेकिन आपकी बिरयानी कुछ अलग है और कुछ यूनिक है, और आपका नाम भी स्पेशल आपने रखा है कुल्लू दादा बिरयानी, मतलब वो बिरयानी में कुछ ना कुछ यूनिक होगा ऐसा है। और आपका मतलब ये फिल्म के बाद आपने ये मतलब बिरयानी में होटल लाइन में मतलब कैसे कुछ बिरयानी का आपका कुछ कनेक्शन है कि आपको बिरयानी ज्यादा पसंद है? क्या बात है। वैसे तो मैं बिरयानी लवर हूं ही, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हैदराबाद मशहूर है बिरयानी। यस yes. तो हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बिरयानी है। तो हमें सोचा कि क्यों ना इसको जो है मेरा जैसे कि पब्लिक की मोहब्बत है, सारे लोग मुझे को गुल्लू दादा के नाम से जानते हैं, 37 मूवीज कर चुका हूँ मैं हैदराबाद। क्या बात है, क्या बात है। तो माशाल्लाह से काफ़ी बहुत मोहब्बत मिली, आप जैसे लोगों से काफ़ी प्यार मिला। तो जब मैं एक होटल लाइन का जब कुछ स्टार्ट करने की सोचा, तो मैंने सोचा कि यूनिक बिरयानी है, ज़ाफ़रानी बिरयानी, तो इसको एक अलग से नाम देंगे। तो जैसे कि कुल्लू दादा जो है काफ़ी पॉपुलर है, तो वही नाम देकर हम स्टार्ट करें, तो माशाल्लाह से काफ़ी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया, इन्होंने ये इनका रेस्टोरेंट बनाया कुल्लू दादा बिरयानी। तो आ जाइए इनका रेस्टोरेंट पूरा देखिए, फिर मिलेंगे कुछ इनके डायलॉग के साथ। और आप यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगाए देख सकते हैं यहाँ पे, और ये शायद आपके ये मतलब डायलॉग है फिल्म के, ये लिखे सर जो है मेरा एक एक जो जितना भी एक एक पॉपुलर जो डायलॉग है मेरा, वो हमने इसको जो है फ्रेम करके लगाया है फोटो के साथ। क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे फ्रेम करके रखा है। तो चलिए ये कुल्लू दादा रेस्टोरेंट आप देखो कैसा है, फिर दादा से और बातें करेंगे, जानकारी लेंगे, कुछ धमाल मस्ती करेंगे, कुछ डायलॉग सुनेंगे और मैं भी उनके डायलॉग कुछ बोलूंगा। तो आप लोग पहले ये कुल्लू दादा बिरयानी देखो और फिर अपने लिए क्या स्पेशल उनका जो ज़ाफ़रानी बिरयानी है वो टेस्ट करेंगे, उनके स्टाइल में टेस्ट करेंगे और उनकी डिशेस भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहला ये कुल्लू दादा रेस्टोरेंट देखो और फिर मिलेंगे अपने डिश के साथ। Thank you.
देखिए कुल्लू दादा बिरयानी की सारी डिशेस अपनी रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए जाफरानी बिरयानी, क्या बात है। तो इनके डिश के नाम भी जानने हैं और ये रेस्टोरेंट की थोड़ी सी डिटेल्स भी जाननी है। तो बुलाते हैं यहाँ के ओनर को और अपने हैदराबादी फिल्म स्टार सुपर स्टार गुल्लू दादा को। आ जाइए दादा। थैंक यू दादा, इतनी बढ़िया बढ़िया डिश आपने रेडी करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आज देखिए हमारे साथ है गुल्लू दादा, हैदराबादी फिल्म स्टार। तो आपने ये जो मेरे लिए स्पेशल स्पेशल डिश बनाई है जी, तो दादा सबसे पहले आप इनके नाम बताइए, मुझे नाम जानना है इनका। सबसे पहले ये है पाया, पाया मटन। हाँ, पाया जी, ये मटन पाया है। ये पाया है, जिसने खाया उसने गाया है। अरे क्या बात है। और ये तंदूरी और या का लेग पीस चिकन लेग पीस चिकन वो तो चाहिए ही चाहिए अपने को। और ये है अपनी जो स्पेशल जो जिसका जो हम जो जिक्र करे थे, जाफरानी बिरयानी। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम मस्त स्वाद भी इसका एकदम मस्त आ रहा है। तो इसमें क्या डाला जाता है, आपका स्पेशल कोई मसाला है या कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है स्पेशल जो है, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि इंग्रेडिएंट्स जो हम जो यूज़ करते हैं बिल्कुल ओरिजिनल और जो है बिल्कुल असली जो है घी और असली ज़ाफरान जो मिलता है ना, सैफरॉन जिसको बोलते हैं। अच्छा, केसर तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसके इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है उससे। क्या बात है, देखिए बहुत बहुत बढ़िया है। और स्पेशली दादा बिरयानी लवर है और मैं भी बिरयानी लवर है, तो देखिए बिरयानी कितना बढ़िया उनका बिरयानी होगा। और आपके जो रेस्टोरेंट है और बिरयानी जो हाउस है तो कहाँ कहाँ पे है, जो चार है वो? ये अभी तो हम शेख पेट पर बैठे, शेख पेट पर है यहाँ पे, एक एबिट्स पर है, वो भी डाइनिंग इंक्लूडिंग है। और जो टेक अवे है, दो हमारे पार्सल टेक अवे है, वो है कत्तापुर और एक जो है मासप टाइम। क्या बात है। और देखिए यहाँ पे उनका मेनू है, तो आपको इतनी ही डिशेस नहीं मिलेगी, इनके पास अलग अलग बिरयानीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया जाफरानी, बहुत सारी जाफरानी बिरयानी है। ये डिश छोड़ के बहुत सारे कितने टोटल आइटम्स हैं? स्वीट्स भी है हमारे पास, जैसे कि जाफरानी खीर जिसको बोलते हैं। अच्छा, जो यानी कि एक अलग किस्म का जो है, और अपना जो मीठा है, अलग अलग किस्म के डिजर्ट्स जो है, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज देयर। क्या बात है। तो आप लोग यहाँ पे शेख पेट में, आपको बताने की जरूरत नहीं, गुल्लू दादाज बिरयानी, तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना। या मैं सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीफोन नंबर एड्रेस, आप लोग यहाँ पे आ सकते, खा सकते, एंजॉय कर सकते, दादा को भी मिल सकते आपको यहाँ पे आना है तो, और एंजॉय कर सकते आप। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि दादा आपने जो होटल लाइन में कदम रखा है, जैसे आपने फिल्मों में एक अलग अंदाज में सफर शुरू किया और सुपरस्टार बन गए, वैसे होटल में आप एक अलग बुलंदियां छुओ, यही मैं कहूंगा। और जितने होटल आप ओपन करो वहां पे मुझे खाने के लिए इनवाइट जरूर करना। तो अभी उनका स्पेशल आपके कौन से भी फिल्म का एक डायलॉग बोलिए, मैं वो डायलॉग बोलूंगा और फिर अभी भूख तो बहुत लगा, और फिर खाना अपना स्टार्ट करेंगे। आए यस। अब लेग पीस हम एक काम करते हैं, जैसे कि आपका नाम उल्लास है। यस उल्लास, मैं चाहूंगा कि अब आप खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता। आए चिकन लेग पीस। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा लगा आपका अंदाज, अच्छा लगा आपका गुल्लू दादा बिरयानी, बहुत बढ़िया लगा, तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब हम हैदराबाद आएंगे तो गुल्लू दादा बिरयानी में जरूर आएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, भूख भी बहुत लगा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेबियन कबाब से। देख सकते हैं क्या बात है, देखिए मसाला पूरा अंदर तक गया है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है सच में। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। ये है मटन पाया,
देखिए और यहाँ पे है मेरा स्पेशल चिकन लेग पीस तंगड़ी कबाब। देखिए अभी इसका टेस्ट करेंगे अपन। हाँ 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 क्या बात है। बहुत बहुत बेहतरीन डिश है, दोनों तीनों डिश बहुत बेहतरीन है। और अभी आपने सामने है जाफरानी बिरयानी। क्योंकि ये गुल्लू दादा बिरयानी की स्पेशल जाफरानी बिरयानी है, जैसे दादा ने बताया कि उनकी बिरयानी सबसे अलग क्यों है। तो अगर आपको टेस्ट करनी है सबसे अलग बिरयानी तो कहां पे आना पड़ेगा, गुल्लू दादाज बिरयानी में। देख सकते हैं, देखिए एकदम गर्मा गर्म बिरयानी। क्या बात है, सच में बहुत बहुत बढ़िया बिरयानी यार। मुंह पे डालो ऐसा घुल जाती है, मुंह में घुल जाती है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ अलग हम मिक्स करेंगे इसमें। बिरयानी में मटन पाया मिक्स करते हैं। हाँ, क्या बात है यार, सच में जैसे दादा ने बताया था कि उनका कुछ अलग और स्पेशल मसाला है, सेम टेस्ट है,
कोई भी फर्क नहीं, उन्होंने जैसे बताया बहुत बहुत लाजवाब टेस्ट है, मुंह में जाने के बाद मुंह के अंदर ऐसे घुल जाती है। तो आप लोग भी यहाँ पे एक बार जरूर आना। तो यही था आज का मेरा वीडियो। आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा एंड तक देखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए अलग अलग और यूनिक वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ। तब तक के लिए बाय, चिकन लेग पीस।